हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी मोस्ट रिपीटेड पार्ट थ्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैव द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड? बताइए दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क कौन सी देश के पास है? यूएसए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा आफ्टर यूएसए। बताइए दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क किसके पास है? तो दूसरे नंबर पर हमारा इंडिया आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क वॉज फाउंड इन विच ईयर? बताइए रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो है इसको किस वर्ष स्थापित किया गया था? वैसे इसकी लोकेशन है अंडमान एंड निकोबार, और इसको कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 1996 में। अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कौन से स्टेट में है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? बताइए कर्नाटका के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? उडुपी, हसन, मांडिया, कोडगु। बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये आपका है ऑप्शन नंबर डी कोडगु। ये भाई सीजीएल में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है, और एमटीएस में भी आया है, तीनों ही में आया है। ये जितने भी मैं करा रहा हूँ ना, मतलब आप समझ लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माही सुगंध इज़ अ वेराइटी ऑफ? बताइए माही सुगंध जो है ये किसकी वेराइटी है? राइस, वीट, मस्टर्ड या फिर सनफ्लावर? तो भैया माही सुगंध जो है ये किसकी वेराइटी है? ऑप्शन नंबर ए राइस की। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? बताइए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य भारत का कौन सा है? केरला, एमपी, आंध्र प्रदेश या वेस्ट बंगाल? वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो भैया है चाइना, और इंडियन स्टेट की बात करें तो ये है अपना वेस्ट बंगाल। ओके, चावल के मामले में। अगला क्वेश्चन है, पूसा सिंधु गंगा इज अ वैरायटी ऑफ? जैसे अभी हमने देखा माही सुगंध ये किसकी वैरायटी थी? चावल की वैरायटी थी, और चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वाला स्टेट वेस्ट बंगाल, और कंट्री कौन सा? चाइना। अब आपको बताना है पूसा सिंधु जो है, पूसा सिंधु गंगा ये किसकी वैरायटी है? तो भैया ये जो है वैरायटी है वीट की। अगला क्वेश्चन, हु डिटरमाइंस द टर्म एंड मेंबरशिप ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? बताइए कौन डिटरमाइन करता है टर्म्स एंड मेंबरशिप ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का? प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? बताइए कौन सा आर्टिकल डील करता है प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से? देखिए आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से डील करता है, और अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 75। ओके, अभी तो बस क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आना शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका वीडियोस का सेट बढ़ता जाएगा, जैसे ये तीसरा सेट है तो क्वेश्चंस और भी टफ होते जाएंगे और आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अचानक से हार्ड क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा ठीक है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशनड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट मेंशनड हैं? ऑप्शन नंबर बी 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट? बताइए निम्नलिखित में से कौन जो होते हैं फंडामेंटल राइट के गार्जियन हैं? जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या फिर पॉलिटिकल पार्टीज? ऑप्शन नंबर ए जुडिशियरी। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू? बताइए फंडामेंटल राइट्स जो है ये किसको नहीं दिया जाता है? बैंक्रप्ट पर्सन, एलियंस, पॉलिटिकल सफरर्स या फिर पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज? ऑप्शन नंबर सी पॉलिटिकल सफरर्स को नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाहो इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? बताइए लाहो डांस फॉर्म का संबंध कौन से राज्य से है? मेघालय। मेघालय से तीन इंपॉर्टेंट ट्राइब है भाई, गारो, खासी एंड जयंतिया, ये तीनों एकदम याद रखिएगा मेघालय का।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म जो है ये रिलेटेड है वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। देखिए लॉर्ड जगन्नाथ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन सा स्टेट आता है? उड़ीसा। तो भैया उड़ीसा से आपका इसमें कौन सा डांस आपको रिलेटेड लग रहा है? कथक लग रहा है क्या? नहीं सत्रिया नहीं भाई, भरतनाट्यम भी नहीं, उड़ीसी लग रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर है सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कारागाम फॉल्क डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बताइए कारागाम फॉल्क डांस का संबंध कौन से राज्य से है? कारागाम फॉल्क डांस तो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी? बताइए यहाँ पे फॉलोइंग होगा, ओके बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? तीन तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं लेकिन एक नहीं है, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये तीनों तो भाई पता ही होगा आपको, लेकिन ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बताइए किस वर्ष नेशनल यूथ पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 2014। अगला क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम इन उत्तर प्रदेश? बताइए कौन से फ्रीडम फाइटर ने जो है जमींदारी सिस्टम को उत्तर प्रदेश में अबॉलिश किया था, खत्म किया था? लाला हरदयाल शर्मा, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले या गोविंद वल्लभ पंत? ऑप्शन नंबर डी गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वॉज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? बताइए नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया जो है ये कब अडॉप्ट किया गया था, कब अपनाया गया था? 26th of January 1950। WPI का फुल फॉर्म बता दो, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्रोडक्ट इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंफॉर्मेशन या फिर वर्ल्ड प्रोडक्शन इंडेक्स? और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करके भाई 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, 20 में 20 किसके किसके आ रहे हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स, ओके ऑप्शन नंबर है। तो वीडियो का ही पैन करते हैं, वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।